गुरमुख और मनमुख एक दिन कुला भुला और भागीरथ तीनों ही मिलकर गुरु अर्जुन देव जी के पास आए। उन्होंने आकर प्रार्थना की कि हमें मौत से बहुत डर लगता है, आप हमें जन्म मरण के दुख से बचाएं। गुरु जी कहने लगे, आप गुरमुख बनकर मनमुखों वाले कर्म करने छोड़ दें। उन्होंने कहा, महाराज हमें यह समझाएं कि गुरमुख और मनमुख में क्या अंतर होता है, हमें इनके लक्षणों से अवगत करें। गुरमुख के लक्षण, गुरु के वचनों को याद रखना, अपने ऊपर नेकी करने वालों की नेकी को याद रखना, सबकी भलाई सोचना और चाहना, किसी के काम में विघ्न नहीं डालना, खोटे कर्मों का त्याग करना, नेक कर्मों को ग्रहण करना, गुरु के उपदेश को ग्रहण करके अपने आत्म स्वरूप को जानने वाला और अनेक में एक को देखने वाला गुरमुख होता है। मनमुख के लक्षण, सबसे ईर्ष्या करनी, किसी का भला होता देख दुखी होना, अपनी इच्छा से काम करना, कभी किसी का भला ना सोचना, जो नेकी करे उसकी बुराई करनी, सबके बुरे में अपना भला समझना, कथा कीर्तन ध्यान ना लेना, गुरु उपदेश को ध्यान से ना सुनना, पुण्य और स्नान से परहेज करना, उपजीविका के लिए झूठ बोलना। गुरुजी के यह वचन सुनकर तीनों को संतुष्टि हुई, उन्होंने गुरुमुखता के मार्ग पर प्रण कर लिया। फिर वह गुरुजी को माथा टेक कर अपने काम काज में लग गए।